हमने रोड की इंस्पेक्शन के बाद मड़ी तक सड़क को खोलने का निर्णय लिया गया ताकि जो हमारे पर्यटन है वो वहाँ विकसित हो सके और साथ ही साथ टूरिस्ट भी उस पॉइंट का आनंद उठा सके। पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मड़ी को बहाल किया गया है। पर्यटक यहाँ विभिन्न प्रकार की पर्यटन गतिविधियों का आनंद उठा सकेंगे। हमने रोड की इंस्पेक्शन के बाद मड़ी तक सड़क को खोलने का निर्णय लिया गया ताकि जो हमारे पर्यटन है वो वहाँ विकसित हो सके और साथ ही साथ टूरिस्ट भी उस पॉइंट का आनंद उठा सके। मड़ी के आगे जो आप रोहतांग दर्रे तक की बात कर रहे हैं, अभी कुछ काम रहता है। होपफुली इन अबाउट अ वीक हम इस रोड को रिस्टोर कर पाएंगे और कनेक्टिविटी ओवरऑल इस्टेब्लिश हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि वेदर ठीक है और कोई मेजर हिंड्रेंस काम में नहीं आती है। बीएलओ इसको करने में लगी हुई है। रोहतांग टनल में एनजीटी के बड़े जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस में परमिट का सिस्टम और नाकों का सिस्टम, एक जो हमारा गुलाबा में रहता है एक एडिशनल पुलिस पोस्ट ऊपर लगाई जाएगी। दोनों को एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस ही हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इको फ्रेंडली मार्केट जो बनाई गई है उसको वी होप कि अब क्योंकि बन गई है तो इट शुड बी ओपन इन अ फ्यू डेज फॉर द पीपल टू एंजॉय। साथ ही साथ वहाँ पे बाकी कुछ एक्टिविटीज भी रहती है जो एज पर प्रॉपर परमिशंस वगैरह अब वहाँ की जाएगी ताकि टूरिस्ट वहाँ का भरपूर आनंद उठा सके।